एक बंदा है उसने मुझे परसों से टेक्स्ट किया इंस्टाग्राम पे, तनवीर अहमद उनका नाम है, सही है, तनवीर अहमद उनका नाम है। तो उसने मुझे बताया मैंने बहुत यूट्यूबर के साथ कॉन्टेक्ट किया लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो वो मुझे बता रहा था कि उसको फ़ी भरना है, उसी के लिए उसको पैसे चाहिए है ना। उसने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की मुझे हेल्प करो, तो मैंने बताया मैं पर्सनली आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं वीडियो में बता सकता हूँ। तो उसने कन्फर्मेशन दिया मुझे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डालूंगा, वो आप लोग देख लेना कि उसने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि आप वीडियो में बता सकते हो, और अकाउंट नंबर भी मैं उसका दूंगा जो कोई भी उसकी हेल्प करना चाहेगा। तो अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र करो और मे बी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, फिर अल्लाह जानता है बेहतर वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अकाउंट नंबर उसी का होगा, तनवीर अहमद नाम है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। तो अभी टाइम आ रहा है, इट इज़ 11 इन द मॉर्निंग। तो अभी का मसला क्या है, अभी का मसला है कि मुझे जाना है मार्केट, वहीं से एक जगह पे जाना है। तो आप वीडियो के साथ बने रही तभी आपको पता चलेगा कि आज का क्या प्रोसेस है, क्या कुछ होने वाला है वीडियो में। बाकी अगर कोई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं वो वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, और साथ साथ घंटी को भी दबाते जाए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वो भी कम लोगों ने ऑन किया, तो जिसने ऑन नहीं किया वो ऑन करेगा। बाकी हम अभी निकलते हैं घर से, पहले गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं क्योंकि आज सर्दी है, कोल्ड स्टार्ट रखना है। बाकी देखेंगे वही मार्केट से क्या कुछ रहता है, वीडियो के साथ बने रहिए। आज तो अपना कार्ड साथ उठाना है। तो चलिए अपन लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पता नहीं अब होनी चाहिए चाबी। घर से मैं निकला लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ मिस्टर दानिश का, वो भी आ रहा है। मैंने उसको कॉल किया था क्योंकि अकेले मज़ा नहीं आता है, और थोड़ी बहुत वो हेल्प भी करेगा, कुछ काम है मुझे। बाकी फिर हम वही देखेंगे, आने दो मिस्टर दानिश को। तो अब आ रहा है ये बंदा मिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी हम निकलने वाले थे लेकिन यहाँ पे गाड़ी फंस गई। सब इसका कसूर है। कल आया कोई सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर 12 सब्सक्राइबर्स आए हैं। चलो मिस्टर दानिश को सब्सक्राइब करना, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी। ओ भैया, तो अभी हम पहुंचे अपने इस खूबसूरत से पुल पे, बहुत टाइम के बाद यहाँ से आए। चलो चलते हैं अपन लोग। आइए आइए, पैसे लेके आइए। इसे कार्ड ही आज खाया था। सफोकेशन होती है मास्क से। अभी मैं पहुंचा किचबारा, तो यहाँ पे मुझे पोल्यूशन करानी है गाड़ी की, इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है 2-4 दिन पहले। परसों मुझे चालान किया था लेकिन बाल बाल बच गया, वो अपना ही पहचान वाला निकला, तो उसने बताया अब अगले बार कराना। उसी दिन मुझे वो ख़त्म हुआ था, मतलब रात को ख़त्म हुआ था, दिन में मुझे चालान होने वाला था। तो अभी मैं जाता हूँ इसका पोल्यूशन कराता हूँ, फिर हम जाएंगे डंपिंग पे। दानिश जाएंगे डंपिंग पे? जरूर। तो जाएंगे डंपिंग पे, वहीं पे देखेंगे क्या मजा है क्या नहीं है। डंपिंग जो कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है यहाँ कंगन में। तो अब यहाँ चला सिंटर। तो जी गाइस, हो गया ये काम भी हमारा बहुत टाइम से पहले। चलो शुक्र है हमने कोई काम तो निपटा लिया। जरा दानिश ये दिखा पोल्यूशन, ये है वो कागज जिसकी वजह से अपन को चालान होने वाला था। इसकी वजह से चालान नहीं, ये तो हो गया कंप्लीट, ये तो खत्म हो गया, ये यहीं पे किया था मैंने एक साल के लिए, लेकिन आज होता है 6 मंथ्स के लिए। रखो वहीं, सब दानिश का कसूर है। हमारा पोल्यूशन भी हो गया। तो गाइस पहुंचा मैं डंपिंग पे, जो मेरे पीछे आप ये पार्क देख रहे हो उसको डंपिंग बोलते हैं, और डंपिंग क्यों इसको बोलते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देनी होती है, ठीक है, वरना ऐसे ही बताऊँगा ये डंपिंग है लेकिन पता ही नहीं होगा डंपिंग क्यों बोलते हैं। तो अभी हम ऊपर जाते हैं। दानिश यहाँ कितनी बार आया तू? बहुत बार आया। क्या करने? बस घूमने ऐसे। नहीं नहीं सच बता, क्या करने आया यहाँ पे? बर्थडे पार्टी मनाने आया था। क्या क्या करने आया था? कुछ नहीं। नहीं बोलो, बर्थडे मनाने बंदा यहाँ पे आया था। चलो
तो पहुंचे हम इस खूबसूरत डब्बे के ऊपर। ओ भाई मेरी सांसें फूल रही है, ये बंद पड़ा है आजा। हाँ जी गाइस, तो इसको डंपिंग क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। धनिश आजा मैं बताता हूँ डंपिंग इसको क्यों बोलते हैं। आना यहाँ पे वंस है, तो इसको डंपिंग इसलिए बोलते हैं, ये भी सुनेगा और आप भी सुनना। क्योंकि जो मटेरियल यहाँ से निकाला था ना, पावर केनाल जो बनाई थी ना, जो वहां से वो पावर केनाल है, तो उससे जो भी मलबा निकला ना, तो वो उसको यहाँ पे डंप किया गया, बहुत पहले डंप किया गया था। वीरान जगह बोलते हैं ना वैसे ये पार्क थी, तो उसके बाद इसको यहाँ पे चेंज किया इस पार्क में, मतलब एनवायरमेंटल पार्क इसको बोलते हैं आज। तो बहुत सही पार्क है, अभी यहाँ पे आना। तो ये थी पहले ही से आईएनजी डाला। तो ये थी इसकी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग। तो ये थी डंपिंग की हिस्ट्री। अब मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होते हैं। ये कुछ नजारे है इस पार्क के। क्या क्या मुझे बता बोल। इसने अपना बर्थडे वहां पे मनाया है उस टेबल के पास। तो ये कुछ नज़ारे है यहाँ के, नीचे से है पार्क और यहाँ से भी है पार्क और एक पार्क वहां से है। यहाँ पे और एक पार्क भी है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जंपिंग, उसको मैं जंपिंग बोलता हूँ। ये डंपिंग है और वो जंपिंग है, और वो वहां से अगर जूम करके दिखाई दी तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। वो वाली पार्क है, ठीक है, ये वाली, ये भी एक अच्छी खासी पार्क है। तो अभी हम डंपिंग को अलविदा कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खास मजा नहीं है आज, लोग भी बहुत कम है। तो जो थोड़ा बहुत मुझे दिखाना था वो मैंने आपको दिखाया, बाकी अभी गाड़ी हमारी नीचे है, तो मिलेंगे हम अब कंगन में सीधे। तो यहाँ पे हम बारबेक्यूज खाने आए, तो चटनी आ गई दो किस्म के राटे पन हिस। तो यहाँ पे आ गई हमारी बारबेक्यूज, मस्त खा रहा है। तो अभी यहाँ पे बारबेक्यूज होगी, अभी हम निकल रहे हैं कंगन की ओर। अभी मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर अब्रार एंड मिस्टर दानिश। चलो अभी हम निकलते हैं। तो जी पहुंचे हम वापस जहां पे हमने गाड़ी रखी थी। ये कुछ सामान लाया और आधा सामान दानिश के पास भी है। तो अभी हम निकलते हैं और तहसील के पास रुकना है फिर से। अभी हम निकलते हैं यहां से रेस्ट हाउस से। अभी हम रुकेंगे कहां पे, हम रुकेंगे बराबर तहसील ऑफिस के पास, वहाँ पे कुछ काम निपटाना है, फिर सीधे घर डायरेक्ट कर, ठीक है दानिश। भूख लगी ना? हाँ तो बाद में कुछ खाए, भूख कैसे लगेगी? मुझे लगा दानिश को भूख लगी है, लेकिन बताता है बंदा बंदा बोल रहा है बारबेक्यूज अभी खाई, तो भूख कहाँ से लगेगी, मुझे मजा नहीं आया। मजा था उसमें, थोड़ा खराब था, बाकी कुछ ठीक। तो अभी यहाँ तहसील पे थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि सर अभी बिजी है। तो मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। दानिश नहीं हो पाया आज भी, क्या हुआ? फाइनली डन विद आरबी एंड ऑल दैट, अभी सीधे निकलते हैं घर, क्योंकि दानिश को भी लेट हुआ, उसको घर में काम होगा और मुझे भी घर जाना है जल्दी जल्दी। तो फिलहाल हम चलते हैं जल्दी से। घर पहुंचते ही बारिश स्टार्ट हो गई, क्या करें यार, हद होती है शराफत की। हाँ जी गाइज, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंचा अच्छे से और सारा काम निपटाया मैंने। तहसील पे भी आज काम सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक काम था, तो फाइनली वो भी हो गया। अभी मैं घर पहुंचा और बारिश भी स्टार्ट हो गई, क्या कर सकते हैं। बाकी जिस बंदी के बारे में मैंने बोला उसकी हेल्प करना, भरपूर हेल्प करना, जो भी कर सकता है वो करेगा। तो अभी का मसला ये है कि अभी हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी हम मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने की मान फी मान अल्लाह, बाय बाय।